खोया और सूजी से बना गुजिया तो आपने बहुत बार खाया होगा। क्या आपने कभी गोंद से बना हुआ गुजिया खाया है? अगर नहीं खाया है ना, तो इस रेसिपी को आप बिना स्किप किए फुल वॉच करना और देखना कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो इस बार मैंने खोया से नहीं, इस बार मैंने गोंद और सूजी से गुजिया बनाया है, बनाना सिखाया है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना और देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने सूजी को भून लिया है, पहले से ही मैंने गैस पे चढ़ा के रखा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल पहले डाल के मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके देसी घी डालूंगी। पहले मैंने एक चम्मच डाला, फिर वापस मैंने एक चम्मच डाला और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि ये, और धीमी आँच पर ही इसको भूनना है ताकि ये अच्छे से भून जाए, कच्चा ना रहे। और ये है गोंद जिसको मैंने कटोरी में रख लिया है अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए, और ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट को मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और गैस पे मैंने ऑयल गरम करके उस पर मैं धीमी आंच पे इस गोंद को भून लूँगी ताकि ये अच्छे से भून जाए। और ये गुजिया ना सच में मैंने भी पहली बार ही ट्राई किया था इसे, और ये मेरा गोंद भून गया है, बाकी का जो है वो भी मैं भून लूँगी। और ये अंदर से भी क्रंची और बाहर से भी क्रंची, बहुत ही अच्छा गुजिया बन के तैयार हुआ था। तो एक बार मेरे हिसाब से आप बनाकर देखना, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और ये चीनी है जो कि खड़ी चीनी है, इसको मैं पीस लूँगी मिक्सी में, और गोंद को भी मैं दरदरा पीस लूँगी, दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये चीनी है, सूजी है, गोंद है, ड्राई फ्रूट है, सबको मैं साथ में रख ली हूँ, नारियल का बुरादा भी है, इन सबको मैंने डाल दिया है, एक साथ करके मिक्स कर लूँगी। और ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा कलर ज़्यादा इसका डार्क हो गया है, आप लोग मत करिएगा, मेरे से हो गया है। और ये नारियल का बुरादा है, इन सबको मैंने मिक्स करके इसका स्टफिंग तैयार कर लिया है। ये मैदा है जिसमें मैंने तेल से इसको मैंने मोयन कर दिया है, और ये तेल मैंने इतना इसमें डाला है जिससे कि मुट्ठी बन जाए ना, जिससे कि ये गुजिया जो है ना ऊपर से भी क्रंची बनेगी और गोंद की वजह से ना अंदर से भी ये बहुत ही क्रंची बनी हुई थी बनी हुई है। और ये छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बेल ली है, और ये गुजिया का साँचा है, मेरे यहाँ कुछ अलग टाइप का है, आपके यहाँ कुछ अलग टाइप का होगा। तो ये गुजिया मैंने बना लिया है, इसको मैं तल लूँगी। और एक बार सच बोल रही हूँ, आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही अच्छा, मतलब मावे का जो गुजिया होता है ना वो आप बनाते हो दो दिन तीन दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, पर ये गुजिया आप हफ्ते भर 15 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब भी नहीं होगा। और गोंद तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो एक बार इसे ज़रूर बनाना और ट्राई करना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा बना था ये गुजिया मेरा। लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही नई नई ट्रिक्स के साथ मैं वीडियो लेकर आती रहूं। थैंक यू।